बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी आज की होस्ट सदफ सिद्दीकी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तरखान। आज हमारे दस्तरखान पर बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उस रेसिपी के नाम है आलू प्याज का पकोड़े, जो कि मैं बना रही हूं लाहौरी स्टाइल में। उसके लिए स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लेते हैं बेसन। बेसन मैंने तकरीबन इसमें लिया है आधा किलो बेसन लिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। दो ही मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं, उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। छः से सात मैंने हरी मिर्च ली हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी टू टेस्ट के हिसाब से। एक पिंच में डालूंगी हल्दी। ज़ीरा में डालूंगी दो टी स्पून डाल दूँगी ज़ीरा। और धनिया भी मैं दो टी स्पून धनिया डालूँगी। लाल कुटी हुई मिर्च जो है वो भी मैं टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। अगर आप कम खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। हरी मिर्च भी इसमें जा रही है, लाल किसी भी मिर्चें भी हैं। इसके अलावा मैं इसमें हाफ टी स्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा डालूंगी। और नमक भी मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, क्योंकि मैंने एंड में इसमें चाट मसाला भी डालना है। और अनारदाना आपके टेस्ट के हिसाब से अगर आप डाल सकें तो डाल लें, नहीं आपको पसंद किसी को क्योंकि अनारदाना नहीं पसंद होता, मैं अनारदाना इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल जो है वो कढ़ाई में डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक मैं अपना बैटर इसको रेडी करूँगी ऑयल मेरा गर्म हो चुका होगा। ऑयल मैंने रख दिया है। अब मैं अपने बेसन की तरफ आती हूँ। बेसन लिया मैंने। बेसन लेने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू जो मैंने दो मीडियम साइज़ के काटे हैं वो इसमें सारे जाएंगे। आलू के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज और आलू के ही पकोड़े हैं, तो जितने ज़्यादा ये दोनों चीज़ें होंगी उतने अच्छे बनेंगे। हरी मिर्च जो हमने चॉप की हुई थी, लाल मिर्च, मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ तकरीबन टू टीस्पून। हल्दी इसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून। ज़ीरा मैं इसमें डालूंगी थोड़ा ज़्यादा ही ज़ीरा डालूंगी, दो टीस्पून इसमें ज़ीरा मैं डालूंगी। इसी तरह मैं इसमें सूखा धनिया भी ऐड कर दूंगी दो टीस्पून। लाल कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड करूंगी एक टीस्पून। मैंने लाल मिर्च इसमें ऐड की। बेकिंग सोडा मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। अनारदाना इसमें ऐड करूंगी। अब मैं इसको मिक्स करें। हाथों से मिक्स कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी जो सब्जियां मतलब आलू और प्याज हरी मिर्च इसमें बेसन अच्छी तरह लगा लें। बैटर मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ा बहुत जो इसका पानी से इसको ऐड करूंगी, पानी इसमें ऐड करूंगी। तेल भी मेरा गरम हो चुका है। इसको हाथ की ही मदद से हमने एक एक बाइट बना के इसमें डालें। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम क्रिस्पी तरीके से इसको रेडी करेंगे। पकोड़े मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब बस मैं इसको डिश आउट करूंगी। अच्छा, डिश आउट करने से पहले आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल हमारा काफ़ी देर से गर्म हो रहा है, तो ये एक तो आपके ऊपर ना आए, आपके हाथ अपने महफूज रखिएगा। दूसरा ये कि जिस भी ट्रे में या जिस भी प्लेट में आप इसको सर्व करेंगे उसके ऊपर सबसे पहले आप टिशू रखें। उसको आप सुखा भी लेंगे लेकिन फिर भी उसका जो ऑयल है वो जल्द टिशू ही कर सकेगा, तो आप टिशू रखें। टिशू रखने के बाद आप एहतियात से इसको जो है दो तीन सेकेंड आप इसको इसको थोड़ा सा ड्रेन भी कर लें। और फिर आप अपने ट्रे में इसको फैला लें। अच्छा, ये पकोड़े जो है ये आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ,
बाकी केचप वगैरह जो भी अवेलेबल हो आप उसके साथ खा सकते हैं। चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये क्रिस्पी से पकौड़े। मेरे लिए तो मेरी ये स्पेशल डिश थी, इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर की है। आज अपने दस्तरखान पे मैंने अपनी ये डिश को लाजमी रखना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये बस लास्ट मैं इसको निकाल के इसको फिर चाट मसाले से इसको गार्निश करूँगी। ये लीजिए, चूल्हा हम करेंगे बंद। पकोड़े मैंने डिश आउट कर लिए हैं, इसके ऊपर मैं हल्का सा चाट मसाला छिड़कूंगी। आप चाहें तो इसको शाम की चाय के साथ केचप चटनी या जो भी आप जिस तरह आपको खाना अच्छा लगे आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पकोड़े बनाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। अपनी होस्ट सदफ़ सिद्दीकी को दस्तरखान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।